की मांग को लेकर आजसू ने किया खेम का आउटसोर्सिंग का चक्का जाम। निश्चितपुर ईस्ट बसुरिया कोलेरिया अंतर्गत संचालित खेम का करियर आउटसोर्सिंग कंपनी के स्थानीय रैयतों को रोजगार देने की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने चक्का जाम किया। आजसू पार्टी के राजगंज मंडल के सचिव देव नारायण महतो ने कहा कि बड़की बहुआ के रैयतों ने अपना जमीन खोया है। 3 माह पूर्व प्रबंधन को रैयतों को रोजगार देने की मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन प्रबंधन ने कोई वार्ता नहीं किया, जिसके बाद पार्टी ने चक्का जाम आंदोलन किया है। प्रबंधन के मनमानी एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये को आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं चक्का जाम आंदोलन के दौरान बतौर अतिथि शामिल हुए बीसीसीएल जोन के सांसद प्रतिनिधि नरेश कुमार महतो ने कहा कि खेमका कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी कर रही है। स्थानीय रैयतों ने राष्ट्रहित में अपने खेती योग्य भूखंड कंपनी को कोयला उत्खनन के लिए दिया था। कंपनी को भी स्थानीय रैयतों को मुआवजा के साथ रोजगार देना चाहिए, मगर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक स्थानीय रैयतों एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया जाता, आंदोलन को जारी रखा जाएगा। आजसू पार्टी एवं खेमका आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक के साथ वार्ता हुई, जिसके बाद आंदोलन को इस शर्त पर स्थगित कर दिया गया कि आगामी 10 जुलाई को प्रबंधन का प्रतिनिधि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में बैठक कर रोजगार के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करेगा। आजसू पार्टी के चक्का जाम आंदोलन की खबर पर अनहोनी घटना को टालने के लिए ईस्ट बसुरिया ओपी पुलिस मुस्तैद दिखी। ईस्ट बसुरिया पुलिस दल बल के साथ मौजूद थी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी। 10 जुलाई को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से वार्ता के बाद आगे के आंदोलन की रणनीति पर आजसू पार्टी आगे बढ़ेगी। करीब 1 घंटा चक्का जाम के बाद कंपनी का काम चालू किया गया। मौके पर राजगंज मंडल अध्यक्ष जगन्नाथ महतो, बहुआ कला उत्तर के मुखिया भीमलाल रजक, महेंद्र सिंह, मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो उर्फ रिंकू महतो, गणेश रवानी, मोहन महतो, तुलसी रजक, मनोज सिंह, दयानंद महतो, विनोद महतो, शिवा महतो, विनोद भुइया, काजल दत्ता, टिंकू महतो, मनोज सिंह, संजीव केवट आदि मौजूद थे। यहाँ के जो सांसद हैं हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा जो है बवा कला के रैयत और यहाँ के जो आपका परियोजना प्रभावित क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नियोजन देने के लिए उप पत्र लिखे हुए थे। आज 3 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, न कंपनी की ओर से किसी तरह का विचार किया गया और न ही वार्ता किया गया। और मान लीजिए बवा कला का जमीन गया है, बवा कला का यहाँ के लोग मतलब खेती छोड़कर जमीन दे दिए बीसीसीएल को, मतलब कोयला उत्खनन के लिए देश हित में दिए हैं। और यदि बवा कला को अगर आउटसोर्सिंग का कोई छोटा सा आउटसोर्सिंग चल रहा है और उसमें अगर रोजगार भी अगर नहीं मिलेगा तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देना चाहिए। और आपका मतलब कुल मिला के बता दे रहे हैं कि जब कई एक बार हम लोग प्रयास किए बात करने के लिए, लेकिन कंपनी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया कि मतलब हम बात करेंगे और यहाँ के मन रहे होते के साथ इंसाफ करेंगे। तब जाके अंतिम निर्णय हुआ और MP साहब का भी आदेश हुआ कि जाके आप लोग वहाँ पर चक्का जाम कीजिए, फिर हम बात करेंगे, फिर कंपनी जो है जल्द नियोजन। क्या लगता है कि कंपनी जो आई हुई है ईस्ट बसुरिया में यहाँ के स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करके अपना काम कर रही है? 100% नजरअंदाज किया जा रहा है, 100%। ये कंपनी सबसे पहली बात है कि कंपनी के द्वारा जो है नियमता जो है जिस तरह से मजदूर रखना चाहिए 8 घंटा खटाना चाहिए वो भी नहीं है, 12 घंटा काम लिया जा रहा है। यहाँ के मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी दिया जाना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए उनको पहला प्राथमिकता के आधार पर, यहाँ के रैयतों को पहला प्राथमिकता आधार पर जो है नियोजन देना चाहिए वो भी नहीं कर रहा है, तो आखिर कंपनी क्या करेगा? खाली कोयला उत्पादन करेगा? कंपनी प्रबंधन का कहना है कि हमने स्थानीय लोगों को कुछ नियोजन दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? अभी 75% नियोजन जो है झारखंड सरकार की ओर से लागू किया है, कोई भी अगर कंपनी आती है तो 75% परियोजना प्रभावित और यहाँ के रैयत को दिया जाना है, जो अभी तक इस कंपनी के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। अगर प्रबंधक इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की मांगों पूरे नहीं करती है तो क्या करिए? चक्का जाम हम लोग घोषणा किए हुए हैं, अभी पैसा मांग के हम लोग MP साहब का आदेश है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।